गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में हम जयपुर को देखने वाले हैं, तो आप वीडियो बने रहें, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। यदि आप जयपुर को घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अभी मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ अजमेर रोड जो आ रही है जयपुर में, उस रोड पे। ये मेरे पीछे जो रोड आप रास्ता देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये अजमेर से जो गाड़ियाँ आती है, रास्ता आता है, वो रास्ता है। और इधर आप देखें, ये पीछे जो है ये सेतु है। मैं आपको आगे के कैमरे से दिखा देता हूँ, ये वो सेतु है, तुलसी सेतु, या इसको एलिवेटेड रोड भी बोलते हैं। जो अजमेर की तरफ से आते हैं तो जयपुर में एंट्री करने का ये जो है ब्रिज बनाया गया है। नीचे की जो ट्रैफिक है वो नीचे रह जाती है, और ऊपर जो जो सीधे आगे निकलना है, जिनको सिंधी कैंप की तरफ या आगे जाना है, वो सीधे ब्रिज के ऊपर से और आगे निकल जाते हैं। तो ये ब्रिज तकरीबन काफ़ी लंबा ब्रिज है, 3-4-5 किलोमीटर का ब्रिज ये है। इसको एलिवेटेड रोड बोलते हैं, अजमेर का एलिवेटेड रोड। और यहाँ का ये सराउंडर एरिया, जैसे ये बस जा रही है, ये अजमेर का रोड है, उधर वाला जो अजमेर की तरफ जा रहा है, और जो इधर जो ये इस रोड पर हम हैं, ये अजमेर से आने वाला रोड है। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं जयपुर की तरफ, और आपको जयपुर दिखाता हूँ मैं, तो आप वीडियो में बने रहें, आइए शुरू करते हैं। ये ब्रिज जिसके ऊपर अभी हम ऊपर जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये इसका उद्घाटन का यहाँ पर दिया गया है। तो ये 28 अगस्त 2018 को इसका जो उद्घाटन हुआ था। तो आइए चलते हैं, ये इस ब्रिज के ऊपर से आपको व्यू दिख रहा है पूरा जयपुर, क्योंकि ये ब्रिज ऊपर है। ये ब्रिज जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ऊपर है, आप देखें मेट्रो है, नीचे ब्रिज है, और इसके नीचे रोड जो है मेन जो ट्रैफिक चलता है। तो ये आचार्य तुलसी के नाम से है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, आचार्य तुलसी आपको पता ही होगा, जैन धर्म के 9वें आचार्य थे, और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, 100 से ज़्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। और ये यहाँ का इस ब्रिज से, आचार्य तुलसी ब्रिज से जयपुर का कुछ व्यू। आइए और आगे बढ़ते, और ये आपके स्क्रीन पे अभी है जय महल पैलेस होटल, जयपुर का 5-स्टार होटल। और ये यहाँ से इस ब्रिज से पूरा व्यू, और ये ऊपर मेट्रो का ट्रैक। आइए और आगे चलते हैं, ये ऊपर मेट्रो का ट्रैक आप देख पा रहे हैं, और ये यहाँ का पूरा व्यू। और ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन का एरिया आ गया है, इस ब्रिज के नीचे से रेल निकलती है, इधर जाती है, और ये ब्रिज भी आगे थोड़ा सा आगे एंड होता है। आगे चलते हैं, और यहाँ ये ब्रिज आचार्य सेतु पूरा होता है, और यहाँ का ये व्यू है। आप देखें तो सामने बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट सर्किल का रास्ता जा रहा है, आगरा दिल्ली रोड जा रही है, टोंक रोड और एयरपोर्ट रोड भी आगे से जा रही है, ये आपको दिखाया गया। आगे चलते हैं, चलिए। और ये रोटरी इंटरनेशनल का एक सर्किल बना हुआ है, और आगे आप देखेंगे तो ये सामने होम टावर होटल है, और ये पूरा यहाँ से चर्च रोड है, इसके आगे चर्च है। आइए आगे चलते हैं, और ये यहाँ पर चर्च है, और ये पूरा आगे का व्यू है। और ये चर्च रोड जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे सामने श्री अमरापुर स्थान है, श्री प्रेम प्रकाश संप्रदाचार्य, श्री 108 सदगुरु स्वामी टेऊ राम जी महाराज, ये स्थान सामने है। और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, लेफ्ट में आगे कलेक्ट्री सर्किल की तरफ जाता है, और राइट में MI रोड जो आगे सिटी की तरफ निकलता है। जैसे हम राइट में आते हैं तो आगे सिग्नल आ जाता है, और सिग्नल से सीधा MI रोड है, और यहाँ से जो लेफ्ट साइड का रास्ता जा रहा है वो सिंधी कैंप को जा रहा है, और राइट में टोंक रोड का रास्ता है, तो हम यहाँ से लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट साइड में जहाँ ये बसें जा रही हैं, हम इधर सिंधी कैंप की तरफ चलते हैं। सिंधी कैंप यानी यहाँ का जयपुर का मेन बस स्टैंड, ये उसी का रास्ता है।
और ये आनंद भवन और यहाँ ये बीकानेर वाले का भी दुकान है। सही है, आगे चलते हैं। ये जिधर अभी बस जा रही है ये सामने ही सिंधी कैंप है, और जो सीधा जो रास्ता जा रहा है इस रास्ते पे हम चलेंगे, ये चांदपोल की तरफ जाता है। श्री खंडेलवाल केंद्रीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जयपुर, ये यहाँ पे स्कूल है, और ये पूरा जालूपुरा का एरिया है, सामने ही चांदपोल है। आइए और आगे चलते हैं। ये चांदपोल मेट्रो है। ये पूरा चांदपोल का व्यू है। और ये पूरा चांदपोल का इलाका आ गया, ये चांदपोल गेट है आप देख पा रहे हैं, और ये यहाँ का पूरा इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ घूमते हुए। तो ये आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये मेरे पीछे चांदपोल का शानदार व्यू के साथ में। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।